से कबाब निकालो फ्रीजर से। जी अम्मी। पहली दफा वो घर आई है, चाय तो अच्छी तरह से पेश करें उसे। ये ना। मैं ना टेबल सेट कर देती हूँ। हाँ जो उमेर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी ये हालत तुम्हारी बहन की वजह से हुई है, और तुम चाहते हो मैं आहिस्ता बोलूं? क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जवेरिया रिलैक्स, जब मैंने अम्मी और ईशा को कुछ बताया ही नहीं तो वो तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करती? तुम प्लीज उन्हें इल्जाम मत। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ और बहन को कुछ कहूंगी तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो दोनों अहम है, मैं नहीं। तुम्हें एहसास है तुम अपनी फैमिली की वजह से इस हाल को पहुंचे हो? यूज कर रहे हैं ये लोग तुम्हें। चविरे प्लीज। तुमने उमेर कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे साथ वापस कैनेडा चल रहे हो, तुम मजदीद यहां नहीं रुकोगे। जवेरिया, मैं इस सिचुएशन में अम्मी और ईशा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मैं यहाँ पे बलि का बकरा बनने के लिए छोड़ दूँ? हालत देखी है तुमने अपनी? देखो, तुम इस गुस्से में, हम इस बारे में बाद में बात करें। उमेर, मैंने फैसला कर लिया है, तुम भी इस बारे में सोच लो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगी। बेटा चाय तो पी जाओ। सॉरी आंटी, मैं आपके साथ बैठकर चाय पीने नहीं आई। उमेर के लिए परेशान थी इसलिए कनाडा से पाकिस्तान आई। आई विल कॉल यू।